रुता यहाँ पे सोसाइटी के औरतों के साथ जैसे पूजा करना शुरू करती है, यहाँ पे देखेंगे बहुत तेज गाने की आवाज आने लगती है जिससे वो काफी डिस्टर्ब होने लगती है। फिर उसे लगता है अब हम लोगों को ना पूजा का तरीका बदलना पड़ेगा, अब पंजाबी स्टाइल में ही हमें मंगला गौरी का व्रत करना पड़ेगा। और ये लोग यहाँ पे डांस का जो है प्लान करने लगते हैं। इधर विराट को खींच कर ले जाते हैं लोग और कहते हैं कि प्रियंका के साथ डांस करो, तो विराट यहाँ पे डांस करने के लिए मना करता और जाने लगता है। बबीता किसी तरीके से मनाती है विराट को और कहती है 5 मिनट के लिए डांस कर ले फिर मैं ज्वाइन कर लूंगी, और जबरदस्ती विराट को ठेल देती है उसके साथ डांस करने के लिए। विराट सोचता है कि मैं यहाँ से निकलूँ तो कैसे निकलूँ, तभी गाने की आवाज़ आने लगती है तो विराट वहाँ से भागता है और वहाँ पे वो लोग टेरेस में चले जाते हैं। अमृता को इशारा करता है और कहता है कि हम लोग यहाँ पे ना फेस ऑफ करेंगे डांस का और देखते हैं कौन जीतता है, दिल्ली वाले या मुंबई वाले। अमृता समझ जाती है और कहती ठीक है। यहाँ पे देखेंगे दो ग्रुप बन जाता है, एक बबीता प्रियंका इशिका का, इधर अमृता का भवानी और अंजलि का, ये दो ग्रुप बन जाता है, डांस इनमें चलता रहता है। तभी बबीता यहाँ पे इशारे करती है और कहती है प्रियंका से जाओ जाकर अपना काम करो, तभी वो शैंपेन की खाली बॉटल लेकर वहाँ पे आ जाती है। इधर अंजलि थोड़ा सा गिर जाती है तो निम्मी यहाँ पे ज्वाइन करती है और कहती है अब मेरा जो मन करेगा ना मैं वही करूँगी, और वो भी अमृता के ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है। अब ये लोग डांस जब कर रहे होते तभी अमृता का पैर उस शैंपेन की बॉटल में पड़ता है, अमृता गिरने वाली होती, विराट यहाँ पे संभाल लेता है, जिसको देखकर सोसाइटी की औरतें कहती है ये लड़की है कौन जो विराट के गले लग रही है। तो यहाँ इशिका कहती है लड़की ना आजकल यही करती, इसमें लड़की को देखो सबके गले पड़ने लगती है, क्या करेगी बेचारी अकेली है ना, अब इसकी शादी नहीं हुई ना तो सब लड़कों को गले लगाने लगती है, इसका काम ही यही है। ये सुनकर विराट को बहुत गुस्सा आता है, इशिका का मुंह बंद कराता है और सारी औरतों को बताता है कि मेरी पत्नी है। ये सुनकर वो लोग कहते हैं कि फिर प्रियंका कौन है, तो कहता है प्रियंका मेरी पत्नी नहीं है। तभी वो लोग यहाँ कहते हैं अच्छा बबीता अपनी फैमिली को अच्छा दिखाने के लिए कि सब कुछ बहुत अच्छा तुम्हारी फैमिली में, बहुत परफेक्ट फैमिली है, तुमने हमसे झूठ कहा, और यहाँ पे उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देती है वो औरतें। विराट उनसे कहता है कि आप लोग अपना घर देखिए, हमारा घर मत देखिए, हमारे घर में क्या चल रहा है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप लोग यहाँ से निकल लिए और अपने घर जाइए और अपने घर को देखिए। यहाँ पे देखेंगे बबीता को गुस्सा आता है जिस तरीके से विराट अमृता को सपोर्ट करता और विराट अमृता के लिए बोलता है। इधर दिलदार कहते हैं कि शाबाश पुत्र, तूने सबके सामने जो फैसला लिया था उसे अपनाना तो सीखा। अमृता मन ही मन कहती जिस तरीके से विराट सर ने मेरा साइड लिया, इतने लोगों के सामने बबीता मैम की सहेलियों के बारे में भी नहीं सोचा, मुझे लगता बबीता मैम कुछ ना कुछ जरूर करेगी।